इस प्रोग्राम में हम आपको कैसे इनपुट कीबोर्ड से एक्सेप्ट किया जाता है, fgetc फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें इनपुट एंड होने का कैसे पता चलेगा, fEOF फंक्शन द्वारा हम आपको बता देंगे। तो समझ लीजिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा printf enter data from the keyboard, यानी मैं कीबोर्ड से इनपुट ले लूंगा, ठीक है। अब कीबोर्ड से इनपुट तब तक लेते रहूंगा जब तक यूजर ये ना कहे कि इनपुट देना अभी मैं बंद कर रहा हूं। तो इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल सी ले लूंगा जो fgetc का रिटर्न वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। थोड़ी समय में मैं पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा आप ध्यान से यहां नजर रखिए। तो fgetc जो है ये एक फंक्शन है जो स्ट्रीम यानी सोर्स ऑफ इनपुट से डेटा एक्सेप्ट करके उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके सी को असाइन करेगा। इसी कारण हमें क्या करना पड़ेगा, सी को इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि fgetc इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि जो भी ASCII वैल्यू हम एंटर करेंगे ए या बी 65 होके सी में असाइन होगा। अब यूजर कीबोर्ड से एंटर करते जाएगा, लेकिन जब यूजर को ये टाइप करेगा आइदर कंट्रोल डी यूनिक्स या लिनक्स पे या कंट्रोल जेड विंडोज पे, तब प्रोग्राम को ये पता होगा कि यूजर अभी इनपुट इसके आगे नहीं देगा और मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ क्या चेक करूँगा, यहाँ एक फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है fEOF, यानी फाइल का एंड ऑफ फाइल का पता करने के लिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगा। अगर एंड ऑफ फाइल आ गया तब मैं यहां ब्रेक टाइप करके इस लूप से बाहर निकलूंगा, वरना क्या करूंगा, मैं कैरेक्टर जो यूजर ने एंटर किया है उस कैरेक्टर को मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब जैसे मेरा टाइपिंग कंप्लीट होगा मैं पूरी तरह आपका इस कोड का लॉजिक समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमने इंटीजर सी डिक्लेयर कर दिया क्योंकि fgetc जो एक फंक्शन है वो एक कैरेक्टर आपका स्ट्रीम से डेटा पड़ेगा। स्ट्रीम मतलब आपका सोर्स ऑफ इनपुट और आउटपुट, हम यहाँ इनपुट दे रहे हैं। fgetc मतलब गेट, मतलब कुछ मांग रहे हैं गेट। तो स्टैंडर्ड इन मतलब एक डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस होगा हर सी प्रोग्राम में। डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस हमेशा होगा कीबोर्ड, डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस यानी स्टैंडर्ड आउट होगा मॉनिटर, और एरर भी आएगा स्क्रीन पे, इसलिए स्टैंडर्ड एरर भी होगा स्क्रीन। तो क्या होगा, fgetc कीबोर्ड से डेटा एक्सेप्ट करते जाएगा, उस वैल्यू को वो इंटीजर में बदल के सी को असाइन करेगा। सी को असाइन करने के बाद अगर समझ लीजिए यूजर ने कंट्रोल डी दबा दिया विंडोज या लिनक्स पे, इसका मतलब यूजर ने प्रोग्राम को इंडिकेट कर दिया कि अब मेरा इनपुट देना खत्म हो गया, अब आप प्रोग्राम हॉल्ट कर सकते हो। तो fEOF एक फंक्शन है जिसका प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड io.h में है। तो ये क्या होगा, जैसे यूजर कंट्रोल डी या कंट्रोल जेड विंडोज पे टाइप करेगा ये कंडीशन ट्रू होगा, यानी जीरो रिटर्न होगा fEOF से। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगा तब मैं इस लूप से बाहर आऊंगा और हॉल्ट करूंगा। इससे पहले क्या होगा, मैं यूजर से डेटा एक्सेप्ट करते जाऊंगा, जैसे यूजर डेटा एंटर करते जाएगा उस डेटा को मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। चलिए अभी इससे क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को ऑनलाइन GDB कंपाइलर में एग्जीक्यूट करके आपको समझाएंगे कि कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, fEOF स्टैंडर्ड इन, तो इससे पहले मैंने कहीं सेमीकॉलन या कुछ बोला होगा, fEOF, ठीक है, fEOF, हाँ इफ कंडीशन के लिए ब्रैकेट जरूरी है, मैंने ये भूल दिया था। चलो अभी हमने ब्रैकेट डाला है, अब देखिए क्या होगा, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। तो समझ लीजिए मैं W एंटर कर दिया, वेलकम टू भीमताल, ठीक है, ये मैसेज टाइप कर दिया। तो जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखोगे इस मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब हम कुछ कैरेक्टर्स कीबोर्ड द्वारा टाइप करते हैं वो एक एरिया ऑफ मेमोरी में स्टोर होता है जिसे हम बफर कहते हैं, मेमोरी बफर, सीधा वो प्रोग्राम के पास नहीं जाएगा।
जैसे ही हम एंटर की दबाएंगे वो डेटा इस प्रोग्राम के पास चला जाएगा। इसी कारण जब मैं पूरा लाइन टाइप करके एंटर दबा दिया तभी ये मैसेज प्रिंट हो गया, क्योंकि वो डेटा जब मैं टाइप कर रहा था वो एक एरिया ऑफ मेमोरी में था जिसका नाम है मेमोरी बफर। ठीक है, तो अगर मुझे एक कैरेक्टर के बाद मुझे डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे तो मैं ऐसे टाइप करके W टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हो आप W डिस्प्ले हो रहा है, E टाइप के करके एंटर करना पड़ेगा, L टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह करते जाऊं तब क्या होगा, एक एक कैरेक्टर जैसे एंटर होगा, एंटर के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ वो कैरेक्टर इस प्रोग्राम को पास ऑन हो रहा है, प्रोग्राम चेक कर रहा है। अगर वो एंड ऑफ फाइल नहीं है तब तो यहाँ प्रोग्राम उसे प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मुझे ऐसे नॉनस्टॉप टाइप करते गया जब तक मैं एंटर की न प्रेस करता तब तक वो डेटा मेन मेमोरी या बफर में ही रहेगा। ठीक है, तो ये था एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस कि आपको क्यों एंटर की दबाना पड़ता है जब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट दे रहे हो। अब पहली चीज़ तो हमने बता दिया मेमोरी बफर के बारे में, अब हमें बताना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड इन के बारे में, कैसे इस इनपुट को ख़त्म किया जाए। अब तो डेटा अभी तक रीड होने के लिए रुका है, अभी भी कह रहा है कि एंटर डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर मुझे डेटा एंट्री समाप्त करना है, अगर आप ऑनलाइन GDBC कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, केवल आपको कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड पे। आपको दिखाई तो नहीं दे सकता है मेरा कंट्रोल और डी, क्योंकि इनविजिबल या नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है। जैसे मैं कंट्रोल और डी प्रेस कर दिया, आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे मैसेज आ गया प्रोग्राम फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। तो ये था इनपुट डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल और डी, कंट्रोल होल्ड करके आपको डी दबाना पड़ेगा तब प्रोग्राम को क्या होगा, ये स्टैंडर्ड इन पे एक स्पेशल वैल्यू जाएगा जो FEOF फंक्शन को बताएगा कि आप यूज़र एंट्री या डेटा देना ख़त्म कर दिया, आप यहाँ लूप से बाहर निकलिए। तो FEOF क्या करेगा, एक एंड ऑफ द फाइल करके एक मैक्रो है। अगर आपको इस वीडियो का डेमो कम्प्लीटली समझ में आना है, इससे पहले जो वीडियो था एक या दो वीडियो उसको देख के यहाँ आइए। तो क्या होगा, एक मैक्रो EOF डिफाइन होता है जिसका वैल्यू जनरली -1 होता है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा ये फंक्शन ट्रू होगा यानी 0 रिटर्न होगा, 0 यानी फॉल्स है सी में, इसी कारण है ये कंडीशन, सॉरी 0 नहीं नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न होगा, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न होगा ये कंडीशन ट्रू होगा और तब ये ब्रेक होगा, ब्रेक होके यहाँ बार आएगा। ठीक है, 0 नहीं, यहाँ नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे FEOF -1 रिटर्न होगा, -1 कंडीशन इज ट्रू, ट्रू होने के कारण ब्रेक प्रिंट होगा और इस लूप से हम बाहर आके हॉल्ट करेंगे।